संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था, अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्रनगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था और संविधान का सम्मान करते हुए जुलूस निकाला था, और उस राज्य का मुख्यमंत्री हाथी पर नहीं बैठा था, संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था ताकि संविधान का सम्मान हो। साथियों, मेरा समर्पण देश के संविधान के शब्दों के प्रति, देश की संविधान की भावनाओं के प्रति, 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा, और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद होती है, और पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। बाद में मैंने कदम पार्लियामेंट में रखा था, क्योंकि संविधान के लिए हम समर्पित हैं। 2019 में जब आपने मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और जब मुझे एनडीए ने अपना नेता चुना, तो कार्यभार संभालने से पहले मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की किताब ला करके रखी थी। पहले मैंने जाकर के संविधान के सामने मारा माथा टेका, जैसे आप गीता रामायण महाभारत के सामने टेकते हो, जैसे कुरान बाइबल के सामने रखते हो, मैंने संविधान के सामने अपना माथा टेका। उसके बाद 2019 में कार्यभार संभालने के लिए मैंने अपना भाषण दिया था। ये मोदी का संविधान के प्रति समर्पण है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।